एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? क्या हुआ बेटा, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इतने दिन आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, पहले आप लोग ये बताओ मुझे, मुझे मिस किया या नहीं किया? मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और आप लोगों के साथ में नहीं आई। वैसे मैं रेगुलर रहती हूँ, कुछ बहुत बड़ा इशू था इसलिए मैं नहीं आ पाई थी आप लोगों के साथ में, डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, वरना मैं करती। कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ में इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मतलब कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूट्यूब से रिलेटेड ही कुछ प्रॉब्लम थी मेरे पास, तो इसलिए मैं वीडियो कोई अपलोड नहीं कर पाई। बस ये पूछ रही हूँ आप लोगों ने मुझे मिस किया या नहीं किया, मिस किया ना? तो आज मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी क्लिप ऐड करने जा रही हूँ। आंटी की शादी थी, उसमें तो मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, उसका ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ में डेली प्रॉपर शेयर करती, बट मुझे कुछ प्रॉब्लम थी यूट्यूब से तो मैंने उसमें कोई वीडियो अपलोड नहीं की। इसी वजह से कोई वीडियो नहीं अपलोड की, क्योंकि प्रॉब्लम थी तो मैंने कोई वीडियो ज़्यादा बनाई भी नहीं। मैं तो दीदी की शादी के सब कुछ अपलोड करती, मैंने पहले कहा था 15 दिसंबर को शादी है तो मुझे वहाँ भी जाना है, तो वो तो मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्ड की है, मेहंदी की रिकॉर्ड की है तो मेहंदी मैं ऐड कर दूँगी। और रही जयमाला की वीडियो, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में इसी में ही ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वो देख कर ही देखिए और देख कर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मुझे, मेरे इस चैनल को। इतने दिन से मैं आई नहीं उसके लिए भी, सो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। और आज ही मैं अपने घर आई हूँ, अभी तक मैं मायके की थी और जिस दिन से मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दी उस दिन ही मायके गई थी, और उसके बाद मेरी प्रॉब्लम हो गई, कुछ प्रॉब्लम थी यूट्यूब से तो मैंने वीडियो भी नहीं अपलोड की। और आज आई हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में वो जो आ रही सारी जो वीडियो पहले से बनी हुई है वो ऐड कर रही हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोग देखेगा। और आज से मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। ओके सो चलिए पहले आप लोग मेरी ये स्टार्ट कर दीजिए, देख लीजिए जो इंडियन स्टाइल में जो होता है ना, क्या बोलते हैं, जयमाला वीडियो, वो देख लीजिए आप लोग इंडियन स्टाइल में जयमाला वीडियो, तो देखकर बताइए आप लोगों को कैसी लगी। सो गाइस यहाँ पे ये मेहंदी की छोटी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी है। मेहंदी लग रही थी ये रात में 10:30 बजे करीब, सारे कार्यक्रम जो होते हैं तेल मैन जो हम लोगों के यहाँ बोलता है, ये मेरी फ्रेंड के यहाँ का कुछ अलग रिवाज है और मेरे यहाँ का कुछ अलग है। हम लोगों के यहाँ तो तेल मैन बोलते हैं और फ्रेंड के यहाँ शायद कुछ और बोलते हैं, मुझे तो नहीं इतना कन्फर्म है, बट ये 10:30 बजे रात में मेहंदी लग रही थी। दी को ठंड लग रही थी यहाँ पर, तो उसने यहाँ पर ये शॉल वगैरह डाल रखी है ऊपर से, ये मेहंदी यहाँ पर लग रही थी। और दी के भी हस्बैंड का नाम ही दीपक है जो मेरे हस्बैंड का नाम है, तो दी ने बोला था कि आप एक काम करो मेहंदी इनसे लगवा लेती हूँ, नाम तुम ही लिख देना। मैंने कहा ठीक है चलो। तो ये मेहंदी ये मेरी फ्रेंड है जो वो ये ऐसे ही पार्लर, मतलब वो भी ब्राइडल तैयार करती है, तो उसने जो है दी को भी खुद ही रेडी किया था। अभी आप देखोगे दी को, मतलब दी तो यहाँ पे उदास होकर बैठी थी, मतलब ऐसी रो रही थी, मेहंदी लगवाते लगवाते भी रो रही थी, क्योंकि लड़कियों की शादी होती है ना तो वो एक लड़की समझ सकती है कि क्या होता है शादी करके अपने घर से जाना, मतलब वो ये एक सी लड़की ही समझ सकती है। सो ये मेहंदी की थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड कर दी थी। और यहाँ पे ये मेहंदी के टाइम फ्रेंड के यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो उनके यहाँ कुछ ऐसा रिवाज होता है, ये तो मेरे यहाँ भी नहीं होता है ना मेरी फ्रेंड के यहाँ होता है, ये उसके यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए थे उनके यहाँ होता है ऐसा कुछ रिवाज, पता नहीं मेहंदी लगा कर पान वान मुँह में क्या। और दी कह रही थी ये सब क्या है, मतलब मुझसे बोल रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाना, तो फिर भी मैंने छोटी सी बना ली थी, माला वाला डालते हैं कुछ ऐसा करते हैं, तो आगे ये हार्ट शेप छोटा सा छोड़ा हुआ है कि यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन बनेंगे जो। सो छोटी बहुत क्लिप ली है, अभी आप दी को देख सकते हो यहाँ पे कितनी उदास है, मतलब शकल से ही लग रहा है, फेस देख ही लग रहा है कि हाँ दी कितना उदास है, सभी लोग होते हैं, मैं भी अपनी शादी में बहुत थी, बट मैं अपनी शादी पे क्या है ना आगे वीडियो नहीं बनाती थी, वीडियोस वगैरह नहीं तो मैं भी अपनी शादी का बनाती वीडियो वगैरह। सो चलो कोई नहीं, अपनी वीडियो जो शादी की है वो मैं ऐड करूँगी आप लोगों के साथ में। 6 साल पहले हुई थी, 6 साल पहले जैसे तीस तरह का चलता था उस तरह का मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। सो अभी आप लोग ये देखिए, मैं अपनी एनिवर्सरी पे आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी। सो यहाँ पे दी को यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है और पान वगैरह छोटा सा खिलाया था, तो और हल्दी की रस्म में मैं वीडियो नहीं बना पाई, जैसे मैंने बोला यूट्यूब से कुछ प्रॉब्लम चली थी मुझे, नहीं तो मैं सारी वीडियो सारी क्लिप लेती और ऐड करती, मुझे लगा कि कुछ यूट्यूब से प्रॉब्लम चल रही है वीडियो ऐड करनी नहीं है, तो मैंने बनाई भी नहीं। पता नहीं मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, मतलब उस टाइम पर इतना ज़्यादा मेरा ऑफ रहा है एक हफ्ते तक, मेरा मूड क्या बताऊँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग ख़राब था, मन तो इतना कर रहा था कि मैं यूट्यूब से वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ, बट फिर भी
मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होती रहती हैं प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम फेस की है मैंने तो ये भी ठीक है, थोड़ी बहुत कर लूँगी। सो यहाँ पे आप देखोगे मेरी दी को, यहाँ पे ये देख सकते हो, ये यहाँ पे दी को रेडी किया है मेरी फ्रेंड ने और मैंने मिलकर, मतलब मैंने तो कुछ ज़्यादा नहीं, मेकअप तो मेरी फ्रेंड ने किया है, थोड़ा बहुत जो होता है ना वो सब हुआ है बस, बाकी ये घर पे ही तैयार हुई है, कहीं पार्लर वगैरह नहीं गई है, घर पे ही मेरी फ्रेंड ने तैयार किया है। और ये देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है, मतलब इनकी तैयार होने के टाइम पर भी वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि जब घर में फंक्शन होते हैं ना, अब सबका तो नहीं पता, मेरे साथ में ऐसा जरूर होता है, जब घर में फंक्शन होता है ना तो इधर उधर टाइम, माइंड इधर उधर काम में, इधर उधर मतलब इधर उधर हो जाता है, वीडियो बनाना ही भूल जाती हूँ मैं, ये हमेशा होता है मेरे साथ में। तो इस तरह से ये लहंगा है और ये चुनरी है, ऊपर से ये चुनरी अलग से उठाई गई है, यहाँ पे दी को कार्टून बना के रख दिया था, ये यहाँ पे दी बैठी हुई थी, तो छोटी सी क्लिप, दी ने कहा था फोटो ऐड कर देना, तो मैंने यहाँ पे फोटो नहीं वीडियो ही इनकी ऐड कर दी। वो मुझे बोल रही थी कि तन्वी मेरी एक फ़ोटो ले लो, मतलब कुछ फ़ोटोज़ ले लो, तो मतलब मुझे तन्वी बोलते हैं, तन्वी भी नाम है तो तन्वी बोलते हैं, तो ये लोग दीदी लोग मुझे तन्वी बोलती हैं, बोल रही थी कि दी मेरी फ़ोटो ले लेना, तो मैंने कहा ठीक है, फ़ोटो की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया कि वीडियो बना ली, वीडियो बनाते बनाते फ़ोटो भी ले ली, दोनों ही चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली। वो बोल रही थी कि आइस मेकअप का थोड़ा बहुत लुक ले लो, तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लेती हूँ मैं, तो यही पर और मैंने म्यूज़िक के साथ में जो होता है ना वो थोड़ी बहुत क्लिप ऐड की है, वैसे तो मैंने वीडियो पूरी ऐड कर दिया है, क्लिप इसकी जो म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो मैंने थोड़ी थोड़ी ऐड की है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए डर लगता है, इसलिए मैंने क्या किया कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दी है म्यूज़िक के साथ में। वैसे म्यूज़िक के साथ में जो जयमाला वीडियो होती है वो देखने में कुछ अलग इंटरेस्टिंग लगता है, बट अब क्या कर सकती हूँ नहीं ऐड कर सकती थी तो मैंने इसलिए नहीं ऐड किया है यहाँ पर। सो अभी आप लोग थोड़ा बहुत ये ऐसे इन्जॉय कीजिए, बाकी थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं फिर से ऐड कर दूँगी और भी यहाँ पर। तो ये यहाँ पे जो फ्रेंड है उसकी सबसे बड़ी दीदी है यहाँ पर, वो भाभी हैं पीछे खड़ी हुई हैं जो, और वो हैं दीदी और जीजू जो आगे खड़े हुए हैं वो हैं आगे। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, भीड़ तो कम, जो कैमरामैन होते हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही और भीड़ लगा लेते हैं, मतलब सभी लोग पीछे रह जाते हैं, कैमरा वाले जो होते हैं इधर दीदी के साइड के, उधर के साइड के, मतलब दोनों ही साइड के कैमरा जो होते हैं वो सामने, इतनी भीड़ लग जाती है उनके, तो लगी जाती है साथ में, फिर और भी होते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने वाले, इतनी भीड़ हो जाती है कि क्या बता, मतलब एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आने लगती है। मुझे खुद अपनी शादी में था ऐसा मैंने फेस किया है, मतलब लगता है कि खुद सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स लगने लगती है, कि मतलब इतने लोग आगे से फ़ोटो खींचने लगते हैं कि क्या बताऊँ। सो अब मैं तो दूर से ही वीडियो बना रही हूँ, आप देख सकते हो, ये भी मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने किसी से ली थी, क्योंकि भीड़ इतनी थी और फिर मिट्टी भी थी, तो उसको मैं लेकर आगे नहीं गई, तो मैंने किसी से ले ली थी ये वीडियो। तो यहाँ पे कुछ म्यूज़िक के साथ में शायद अब मैं ऐड करूँगी, पूरी वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और देख कर बहुत ही अच्छा लगेगा, बीच में मैंने थोड़ी सी क्लिप और ऐड कर दी है, और जब जयमाला के टाइम ये वाली वीडियो जब म्यूज़िक बजता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हम लोगों को तो अच्छा लगता है बट जो ब्राइडल होती है उससे पूछो कि कैसा लगता है। सो यहाँ पे अब चलिए आप लोग अब इन्जॉय कीजिए जो मैं यहाँ पर म्यूज़िक के साथ में ऐड कर रही हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिए, थोड़ी सी मैंने वो भी क्लिप ऐड कर दी है, सो चलिए आप लोग देखिए वो म्यूज़िक के साथ में वीडियो। जयमाला के साथ में मैंने वीडियो ऐड की है और थोड़ी सी ऐड करी है, क्योंकि डर लगता है फिर वही दिक्कत होने लगती है, थोड़ी थोड़ी से मैंने क्लिप ऐड कर दी है, और जयमाला जो हुआ था बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ था, मतलब अच्छा लगा था देखने में। और सो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए, बट ये जयमाला जो हुआ था ना वो रात में 11 बज गया था, ये 11 बजे का टाइम है। सो चलिए आप लोग इन्जॉय कर लीजिए, जो इंडियन स्टाइल में जयमाला होता है वो भी आप लोग देख लीजिए।